आपने आर्टिकल 191 के तहत जो मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है उसमें आपने हमको अरेस्ट करके बाधा किया कि नहीं किया? आपके भी हम कानूनी एक्शन लेने का काम करेंगे। आप मैं हमारा भी तो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का मौलिक अधिकार है। आपने मेरा अधिकार का हनन किया है और मैं हमको प्रोटेस्ट करने से वंचित किया है, इसीलिए सरकार पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सरकार पे इस राज्य में वर्तमान स्थिति में कानून का कोई राज नहीं है, कानून के द्वारा राज है। क्योंकि कानून का अगर राज होता तो निश्चित ही आज हम लोग 22 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति होता। कानून का अगर राज होता इस राज्य में तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि आज ये हम लोग परीक्षा अपने डेट के अनुसार दे रहे होते। कानून का अगर राज होता तो सब कुछ कल आराम से हम लोग हर मांग माना जाता। लेकिन कानून के द्वारा राज इसलिए है कहते हैं, हम कल किसका क्षति करने वाले जा रहे थे, किसका नुकसान करने जा रहे थे, तो जो हमको 1 बजे उठाया गया तो ये कानून द्वारा शासन है। हमको जब किसी का क्षति नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको 1 बजे उठाया जा रहा है, ये कानून के द्वारा शासन है। 22 साल में नियोजन नीति लागू नहीं होना, हमेशा झमेला का फेंस में फंसाना, ये कानून के द्वारा शासन है। और जो है कि हमें 10 को 15 को धारा लगा देना, विभिन्न थानों में केस कर देना, ये दबाने का साजिश है। ये कानून के द्वारा राज है। कानून के द्वारा राज एक ऐसा राज होता है जो कुछ कम्युनिटी को वोट बैंक के आधार पर टारगेट करके किया जाता है। तो हेमंत सोरेन जी, ये देश कानून से चलती है, भारतीय संविधान से चलती है। ये देश, ये राज कानून के द्वारा नहीं चलती है। इसीलिए आप छात्र को जो है कि मूर्ख बनाना बंद करिए और हमारी जो एक एक मांग है, हम पूरे संपूर्ण छात्र जो अपना पीड़ा है, अपना दुख है, अपना तकलीफ है, इसको हम लोग एकदम कड़की निगाह में देखेंगे कि आप कौन सा दिन कहाँ कहाँ हमारा फाइल बढ़ा रहे हैं, और उसी के अनुरूप हम लोग जो है कि एक एक नज़रों में रखेंगे। चूँकि हमारा लक्ष्य है निष्पक्ष नियोजन नीति, संवैधानिक नियोजन नीति, खतियान के आधारित झारखंड हित की नियोजन नीति, और अगर इसमें छेड़छाड़ होगा तो हम लोग पूरा निगाह रखेंगे वहाँ पे। चूँकि हमारा लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, हमारा नौजवान है, हम लोग अपना उद्देश्य का एक एक नज़र पर हम लोग रखने का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।